all that we've said in that affidavit, which I think is now out in the public, the affidavit itself is out in the public, a lot of people are talking about it. We have very clearly said, we've given the data, we've given our information. We think there is a interpretation problem. We would like you to please look at it and correct it. That's our appeal to the court. We'll wait for the court to take a call. आपको याद होगा कि जब प्राइसिंग की बात आई सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार के तरफ से अटर्नी जनरल साहब खड़े हुए और बाकी लॉ ऑफिसर्स खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये प्राइसिंग का मामला हम पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, जनता के सामने नहीं रख सकते. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप इसको सील्ड कवर में हमें दे दीजिए. तो ये सारा मामला फिर सील्ड कवर में एफिडेविट के द्वारा उनको दिया गया. सील्ड कवर का मतलब है कि जो वकील वहां थे, हम तो थे नहीं वहां, कांग्रेस पार्टी तो थी नहीं वहां, जो वकील वहां थे जिन्होंने याचिकाएं डाली थी उनको तो कुछ दिखाया नहीं गया. इसीलिए नहीं दिखाया गया कि क्योंकि ये सील्ड कवर में है. अब उसी सील्ड कवर के एफिडेविट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपनी जजमेंट में डाल दिया. मतलब कि जो बात जनता के सामने नहीं आनी चाहिए थी वो जजमेंट में आ गई. तो फिर सील्ड कवर का मायना क्या है? और अगर यही बात जजमेंट में आनी थी तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा रहता कि सुप्रीम कोर्ट जो वकील वहां बैठे थे जिन्होंने याचिकाएं डाली थी उनको बता देते. और अगर उनको बता देते तो वो खुद कह देते कि ये सब गलत है और सुप्रीम कोर्ट को ये एम्बैरेसमेंट फेस करनी ही नहीं पड़ती.